सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो जैसा आपको पता है कि मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ कि आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन्स हैं वो बहुत जल्दी जो है स्टार्ट होने वाली हैं। ये वीडियो जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैंने वीडियो 2 ही दिन पहले जो है ये अपलोड किया है, और सबसे पहले ये अपडेट जो है आपको दी थी कि जम्मू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर, ठीक है, जहाँ पर आपकी एडमिशन्स की रजिस्ट्रेशन होती हैं, जहाँ से आप फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे ये जो है एक इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है लिस्टेड कर दी गई है, पब्लिश कर दी गई है कि आपकी जो एडमिशन्स हैं वो विद इन अ डेज जो है शुरू होने वाली हैं, और वहाँ पे जो है आपको उसकी रेगुलर अपडेट जो है उस साइट पे मिल जाएगी। बहुत जल्दी वो है जो स्टार्ट होने वाली है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और इसी के बीच जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उस वीडियो को देखने के बाद जो है ये चीज़ पूछ रहे हैं कि एडमिशन जब स्टार्ट होंगी तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, रजिस्ट्रेशन के टाइम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के टाइम जो है हमें क्या क्या अपने पास में डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़ जो है वो रखनी होंगी, जिससे हम की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी एडमिशन जो है होगी हमारी, ठीक है। तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर है। सो उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपकी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इन सबसे रिलेटेड जो है आपकी हायर एजुकेशन के रिलेटेड अपडेट जो है आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिलती है। चैनल आप सब्सक्राइब करें, जैसे ही आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी की भी एडमिशन स्टार्ट होगी, सबसे पहले जो है आपको इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलेगी एडमिशन के रिगार्डिंग, आपके डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, फ़ी की बात हो, इन सब चीज़ों को मैं कवर करता हूँ कंटिन्यू। पिछले 3 सालों से जो है मैं इन चीज़ों के ऊपर जो है वीडियोज़ जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उनकी एडमिशन के लिए उनको गाइड कर रहा हूँ। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन, क्वेरी हो, आप किसी एडमिशन रिजल्ट या एग्जामिनेशन के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को जो है जो उनके क्वेश्चन क्वेरीज हैं उनका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ में जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके पास होना जब आप अपनी एडमिशन करवाएंगे या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाएं फिल करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो एडमिशन के टाइम पर ज़्यादा चाहिए होते हैं। उनमें से कुछ ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय चाहिए होंगे, ठीक है। एडमिशन से मेरा मतलब है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जब आप एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं सभी को इस वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये प्रोस्पेक्टस जो है आपकी लास्ट एडमिशन जो हुई है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जो है इनकी जो डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। गेस्ट जो है देने वाला हूँ कि आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप जम्मू कश्मीर यानी जेके बोस के स्टूडेंट हैं तो आपको जो एक सबसे सबके लिए जो एक एफिडेविट लगेगा वो आपको चाहिए, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे आप ऑप्शन जो फर्स्ट देख रहे हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। ये एफिडेविट आपको कहाँ से मिलेगा, जब एडमिशन स्टार्ट होंगी मैं फिर से एक डॉक्यूमेंट्स पे अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा। अभी भी मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये जो आपके एफिडेविट होते हैं ये आपको अपनी तहसील, आपके कोर्ट या फिर आपके कुछ भी जो भी अपने कैफे वगैरह होते हैं जहाँ से ये फॉर्म फिल्स होते हैं वहाँ से मिल जाते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये तो आपको सभी कैंडिडेट्स को एक एफिडेविट चाहिए होता है जिसको एडमिशन एफिडेविट बोलते हैं। ये आपको मैं इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन जो है जब आपकी एडमिशन स्टार्ट होगी तब भी दे दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से नहीं पढ़ा, यानी आप जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल कॉलेज से नहीं पढ़े, किसी आउट ऑफ स्टेट से पढ़े हैं या फिर आप CBSE के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सेकंड नंबर वाला एक एफिडेविट चाहिए होता है, ठीक है, उन सब के लिए जो जम्मू कश्मीर से नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। उनको ये चाहिए होता है ये कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, इसके भी रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको जब आपकी एडमिशन स्टार्ट होंगी तब प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी इंपॉर्टेंट जो आपके साथ में मैंने डिस्कस की है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैं एक जनरल चीज़ें जो है डिस्कस कर दूं, आपके पास अगर कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 10th और 12th की मार्क्स कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है आपके पास में 10th और 12th क्लास की मार्क्स कार्ड हो। कोई डिप्लोमा, कोई आपके पास सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली आपकी मार्क्स कार्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके साथ में डिस्कस करूँगा वो होता है आपका प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपके जितने भी स्कूल्स जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जितने भी स्कूल्स हैं आपके वहाँ से मिलेगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है तो उसको बोर्ड से मिलेगा, यानी जहाँ भी आपका नियर बाय आपका जेके बोस का बोर्ड होगा, स्कूल बोर्ड होगा, वहाँ से आपको ये मिलेगा अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है। तो अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो उसको अपने स्कूल से मिलेगा। अब बात कर लेता हूँ उनके लिए जिनको PG में एडमिशन लेनी है और ग्रेजुएशन उन्होंने करी हुई है, तो उनको ये कहाँ से मिलेगा, तो रेगुलर स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिन्होंने रेगुलर अपनी PG की है, अपनी ग्रेजुएशन की है, उनको अपने कॉलेजेस से ये मिलेगा, ठीक है।
अपने कॉलेजेस से ये मिल जाएगा, और ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट हैं उनको ये कहाँ से मिलेगा, तो उनको ये जो सर्टिफिकेट है ये यूनिवर्सिटी से मिलेगा। कब कैसे इसके लिए क्या करना है फर्दर मैं डिस्कशन इसमें करूंगा, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपकी एडमिशन नहीं होगी। ये आप अभी से जो अगर जिन्होंने पास आउट कर लिया ट्वेल्थ वो स्कूल में जाके अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लें, विद इन अ डेज जो है आपकी एडमिशन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं डिस्कस करूंगा इसमें, वो है आपका डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल जितने भी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके पास में डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। मैं लास्ट टाइम की अगर बात करूं तो आपको चॉइस दी गई थी कि या तो आप स्टेट सब्जेक्ट ओब्लिक आपका डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन इस बार ये कंपलसरी, जहां तक मुझे लगता है कि डोमिसाइल आपका कंपलसरी कर दिया जाएगा। स्टेट सब्जेक्ट आपका काम नहीं करेगा, आपको डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो डोमिसाइल के लिए अगर किसी के पास नहीं है तो अभी से उसको अपने पास में प्रिपेयर करके रखे, ठीक है। ये दूसरी चीज होगी। इसके बाद में आपका प्रोविजनल हो गया, डोमिसाइल हो गया, ये दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैंने जनरल चीजें जो आपको बताई वो बताई, आपकी मार्क्स कार्ड, अगर कोई कॉलेज में है तो उसको अपनी ग्रेजुएशन से फर्स्ट से लेके सिक्स, ठीक है, सभी फर्स्ट से लेके सिक्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मार्क्स कार्ड होनी चाहिए उसके पास में। प्लस आपको मैंने प्रोविजनल बता दिया, और अगर कोई ट्वेल्थ क्लास का है तो टेंथ और ट्वेल्थ की उसकी मार्क्स कार्ड उसके पास में होनी चाहिए। ये दो तीन जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने आपके साथ में डिस्कस की। इसके अलावा कुछ जनरल चीजें होती हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि अगर आप किसी कैटेगरी में अपनी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लाइक एससी एसटी आरबीए, ठीक है, ALC, इस तरह के कुछ कैटेगरीज में आप अपना अप्लाई कर रहे हैं, अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास में इन सभी सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। यानी एससी की ओरिजिनल, ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, एसटी का है तो इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम, अगर इसकी हो सकता है जरूरत ना पड़े, पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, अगर आपका इसमें नाम आता है मेरिट लिस्ट में एससी के अंडर, एसटी के अंडर, आरबीए के अंडर, एएलसी के अंडर, ठीक है, सीडीपी के अंडर, तो आपके पास में ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इनकी डेट जो है एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए ये, ठीक है। और आपकी एडमिशन तभी होगी इसके बेसिस पे, ठीक है। ये चीज एक मैंने डिस्कस की आपके साथ में। अगर आप किसी स्पोर्ट्स, ठीक है, एनसीसी स्पोर्ट, किसी कल्चर लिटरेरी में आप किसी के हर एक कैटेगरी होती है, ये मैं आपको बताऊंगा, जैसे ईडब्ल्यूएसबी हो गया आपका एक, ठीक है, तो अगर इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में भी आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जैसे प्रोविजनल हो गया जो अभी आप बनवा सकते हैं, अपनी मार्क्स कार्ड्स होगी अभी आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका डोमिसाइल हो गया, उसके बाद में आपके पास में आपकी फोटोग्राफ्स, ये तो आपकी जनरल चीज़ें जब अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तब होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। और ये सभी चीज़ें जो हैं अभी तक मैंने आपको बताई, ये जनरल चीज़ें आपके पास में होने चाहिए, और जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये काम आएगा। जितने भी एफिडेविट्स हैं वो इस तरह से आपको फॉर्मेट जो है मिलेगा, ठीक है, जब भी आपके एडमिशन नोटिस आएगा, ये मैं या तो आपको साइट से अवेलेबल करवा दूंगा, या मैं डायरेक्टली भी, पिछली बार मैंने स्टूडेंट्स को ये डायरेक्टली जो है वाया मेल जो है सेंड किया था, तो मैं उस तरह भी आपको कर सकता हूं जब एडमिशन स्टार्ट होंगी, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ में वीडियो शेयर आप किया करें, यही मोटिव रहता है कि वीडियो का, कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से किसी की एडमिशन ना रुके, हमारा यही मोटिव है कि सबके पास में एडवोकेट जो है आप एटलीस्ट सबके पास में इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर हो कि वो अपनी एडमिशन के लिए अप्लाई जो है हायर एजुकेशन में कर सके। तो वीडियोज को मैक्सिमम शेयर किया करें। ये आपका आप डॉक्यूमेंट्स पे था, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, फी, आपकी मेरिट लिस्ट, या फिर टाइम टू टाइम आपकी क्या लास्ट डेट्स रहेंगी डॉक्यूमेंट्स को, सॉरी, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिल करने की, ये सब इसी चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मेनली, ठीक है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी, और एंट्रेंस टेस्ट ये वगैरह जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हायर एजुकेशन के रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, अगर आपको लगे कि आप मुझे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी मैं अपलोड की हुई हैं, लास्ट सेशन की भी की हुई हैं, आप वो जाकर जरूर देखें, एक बार विजिट करें, जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी है वो आपको, मुझे लगता है जहाँ तक मेरी सबसे जितनी भी मतलब जरूरी नेसेसरी वीडियोस हैं डॉक्यूमेंट्स मेरिट, ये सभी जो है आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। कंटिन्यू वीडियोज़ की अपडेट के लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।